नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस एल रिटायरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर कोई अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इस ये 10 से लेकर 17 मार्च के लिए भी क्लियर नहीं साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा के जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो आपके पर्सन हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। अभी लिब्रा सोच रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं, लिब्रा के पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि लिब्रा हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो एक तरफा डिसीजन लेते हैं, दोनों पक्षों के बारे में नहीं सोचते। तो अगर वो दोनों पक्षों की बातें सुन लेते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। उन्हें डिटैच नहीं होना चाहिए, कॉल्ड नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट एक दूसरे के साथ फील करनी चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए कि अगर वो दोनों तरफ से सुनेंगे तो रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। या फिर वो जो उनके पर्सन है उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है कि सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस 3 of Cups द डेविल। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, जो इस रिश्ते में कंट्रोल है, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें रही हैं, और जिसकी वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक सा रहा है, मतलब अपने आप में लगा बिंदा हुआ सा महसूस कर रहे थे, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक कि इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, इस सिचुएशन से जो कंट्रोल किया गया है, जो बिंदा गया है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, ये लग रहा है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उन चीज़ों से बाहर अगर इस रिश्ते में एक तरफा ना सोचकर दोनों पक्षों की बात सोच ली जाती हैं, सोच विचार करके डिसीजन लिया जाता है, और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट किया जाता है, ताकि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, एक दूसरे से खुल कर बातें कर सकें, तो इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिल सकता है। इसमें फिर से खुशी हो सकती है, एक दूसरे के को माफ़ करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। या फिर अगर उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें परेशानी और दुविधा, ये रिश्ता उनके लिए टॉक्सिक बना हुआ है, तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर जाना चाहिए, ताकि अगर उनको लग रहा है कि जब तक वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उन्हें जस्टिस न्याय नहीं मिल सकता, तो अगर वो उनको ऐसा ठीक लग रहा है तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी उन्हें ठीक लगे वो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए है या फिर नए रिश्ते में जाने के लिए है। तो उन्हें कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए ही इसमें डिसीजन लेना चाहिए। देखते हैं लिब्रा आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए या फिर खुद के लिए। आपको लग रहा है कि उनके पर्सन को उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर नहीं जाएंगे जब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती, तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं तो कोई भी ऐसा फील कर सकता है। तो लिब्रा आपको लग रहा है कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं
उनको यानी कि फील हो रहा है आपको बार बार कि उनके पर्सन को आपके पर्सन को आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, ताकि जो जो बेचैनी से बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से लव ऑफर आएगा, कब गुड न्यूज़ आएगी, कब बिगिनिंग और शुरुआत होगी। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग एक शुरुआत कर लेते हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ये डिसाइड करते कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और खुशियों में ये तब्दील हो सकता है। जो रुकावटें बाधाएं दिक्कतें आ रही, जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे जा सकता है। और जब तक वो लव ऑफर लेकर आते हैं, जब तक ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं बढ़ती हैं, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ता है, तब तक आप अपनी समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्टम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। आपको आप चुप रहना चाहते हैं, खामोशी से सब कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो करेंगे वो करेंगे और आप अपनी विस्टम नॉलेज गेन करें, और चुप्पी और खामोशी के साथ अगर कोई बात जानते भी हैं तो सही समय आने का वेट और इंतजार करें। तो इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, आगे बढ़ने का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आप कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे रिश्ता खुशियों में तब्दील होता है। जब तक आप चुप्पी और खामोशी के साथ भी अपना जो है यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके पर्सन हैं, तो देख लेते हैं। या फिर वो हो सकता है कि ये भी सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ जब तक लव ऑफर लेकर आते हैं तो तब तक आपको इस रिश्ते को हील करना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। ये एक दूसरे के प्रति मतलब लिब्रा सोचे या उनके पर्सन सोचे ये करें या वो करें, कोई मतलब किसी की भी ये एनर्जी हो सकती है, एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होने वाली एनर्जी होती है। तो देख लेते हैं लिब्रा आप क्या चाहते हैं। आप इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्यार से प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, एक दूसरे को गले से लगाएं, कड़े मुर्दे ना उखाड़ें, ज़्यादा एक दूसरे को जज करने ना बैठें, ताकि इस रिश्ते में जो है कन्फ्यूज़न और परेशानी दूर हो सके और फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके, यानी कि सहनाइयाँ बच सके। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय कि वो एंजाइटी स्ट्रेस में रहें, बजाय कि रातों की नींद हराम करें, वो उन्हें इस रिश्ते में इस वाद विवाद को ख़त्म करना चाहिए। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है, उस जकड़न से, उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आंखों से पट्टियां खोलते हुए बाहर निकलना चाहिए और इसका हल और सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर वो इसका हल सोल्यूशन ढूंढते हैं, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हैं तो, और एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो समय और वक्त के साथ इसमें फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं और फिर से जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। इसमें बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं जताया जा रहा था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, वो कुछ बोल रहा था, सामने वाला कुछ बोल रहा था, वो कुछ कर रही थी, वो दूसरा कुछ कर रहा था, तो इस तरह की जो पोजिशन बनी थी तो वहाँ बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, रिश्ता आगे बढ़ता हो सकता है कि रिश्ता आगे बढ़े, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को इसमें समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, इसका कार्ड है द स्टार, नाइन ऑफ कप्स, द सन एंड जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए, इसमें अगर अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट, कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में
जो उनकी दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होती दिखाई दे रही, वो पूरी होगी। और जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, इक्वल की वेंटेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, वो इधर बनती दिखाई दे रही है या बननी चाहिए। क्योंकि अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे, कोई बच्चे की तरह खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, तो उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी और इसमें बैलेंस आएगा और खुशियां वापस आएंगी और आगे जाकर ये रिश्ता जो है गोल्डन स्टार हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द मैजिशियन जी। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो गहरा प्यार है, जो डीप लव है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अटैचमेंट को देखकर, उसके ये देखकर आगे नहीं बढ़ना है। पहले जो है एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना बंद कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ में मत खेलिए, एक दूसरे से दिल से माफ़ी मांगिए, ताकि एक दूसरे को अगर आप माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, अगर आप उसके साथ समय रहते इसमें इधर उधर बिना भटके हुए इसमें डिसीजन लेंगे, यानी कि जो भी एक दूसरे के प्रति कंफ्यूजन रही है, जो भी परेशानी रही है, या लग रहा था कि लस्ट है, एडिक्शन है, जो भी कुछ रहा है, तो उसको शॉर्ट आउट करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, तो ये रिश्ता फिर से सेनाइयों में तब्दील हो सकता है। यानी कि फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह अगर की जाती है, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें परेशानी है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको प्यार को देख कर आगे मत बढ़िएगा। इसकी जो है इसमें जो एडिक्शन, जो लास्ट है इसके साथ साथ, उन पर भी गौर फरमाइएगा, और तभी आप स्टेबल होइएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, जब कोई जब सामने वाला कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर आप एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो काफ़ी खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है और ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।